आज लोकतंत्र का महोत्सव मना रहा है देश। 2024 लोकसभा चुनाव में हो रहे हैं पहले चरण का मतदान। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट, तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत की होगी ईवीएम में कैद, विधानसभा की सभी 82 सीटों के लिए हो रहे मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान का सिलसिला जारी, शाम 6 बजे तक डाल सकते हैं वोट। कुछ जगहों पर विशेष हालात के चलते 6 बजे के बाद भी जारी रहेगी वोटिंग। मतदान के लिए 18 लाख चुनाव कर्मी ड्यूटी में लगाए गए, करीब 1,87,000 मतदान केंद्रों पर 16.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग जारी, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी जनता। राजस्थान की 12, यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी, एमपी की 6, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग जारी। पश्चिम बंगाल में 3, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर मतदान, बिहार की 4, असम की 5, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग। आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग, 92 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, वोटिंग के लिए पोलिंग के बाहर लगी लंबी कतारें। लोकतंत्र के महाउत्सव पर पीएम मोदी ने की मतदान की अपील, पीएम ने एक्स पर लिखा, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए, लोकतंत्र में हर एक वोट कीमती। गृहमंत्री अमित शाह ने वोटर से की वोटिंग की अपील, शाह ने एक्स पर दिया संदेश, भारी संख्या में मतदान कर मजबूत और निर्णायक नेतृत्व चुने। नागपुर में पहले चरण के वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पोलिंग बूथ नंबर 216 पर मताधिकार का किया प्रयोग। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में डाला वोट, कहा राजस्थान 2014 और 2019 का इतिहास दोहराएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लोकतंत्र के महापर्व के भागीदार बने, खटीमा में मतदान केंद्र पर धामी ने डाला वोट। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शिलांग में डाला वोट, जीत के प्रति आश्वस्त सीएम संगमा। कोयंबटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अनामलाई ने करूर में डाला वोट, तमिलनाडु की हॉट सीटों में से एक है कोयंबटूर। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के शिवगंगा मताधिकार का किया इस्तेमाल, शिवगंगा से चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम है कांग्रेस प्रत्याशी। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने वोट डाला, चेन्नई के अलवरपेट में मतदान कर पहुंचे स्टालिन। छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता कमलनाथ ने वोट डाला, छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं। नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने किया मतदान, बीजेपी की तीसरी बार जीत का दिया दावा। जयपुर में बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने अपना वोट डाला, साथ ही कई नेताओं ने किया मतदान। नागपुर में वोट डालने पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गडकरी ने पत्नी अमृता फडणवीस के साथ डाला वोट। अलवर में बीजेपी नेता बाबा बालकनाथ ने किया मतदान, फिर से मोदी सरकार को लेकर दिखे आश्वस्त। तमिलनाडु में सलेम लोकसभा सीट पर वोटिंग, एआईएडीएमके के महासचिव इडपाडी के पलनी स्वामी ने वोट डाला। वोट डालने से पहले खटीमा में मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मां की भक्ति में हुए लीन, पूजा पाठ कर लिया माता का आशीर्वाद। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने भगवान कंडोलिया देवता के दरबार में लगाई हाजिरी, मंदिर में की पूजा अर्चना। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद हनुमान मंदिर पहुंचे, बजरंग बली की पूजा कर मांगा जीत का आशीर्वाद। दक्षिण कन्नड़ से कांग्रेस उम्मीदवार आज प्रयागराज, वोटिंग से पहले कुद्रोली मंदिर में लगाई उन्होंने हाजिरी, आस्था और भक्ति में लीन दिखाई दिए। मतदान से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घर पर की द्वार पूजा, डिब्रूगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार हैं सोनोवाल। वोटिंग से पहले जमुई से एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती ने की पूजा अर्चना, जमुई सीट पर आज अरुण भारती और आरजेडी की अर्चना रविदास के बीच टक्कर। मतदान से पहले अपने बेटे नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे कमलनाथ, बजरंग बली की पूजा कर लिया आशीर्वाद। सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने चुनाव का पर्व देश का गर्व का दिया अनूठा संदेश, पूरी तट पर रेत पर की अनोखी कलाकृति के जरिए वोटिंग की अपील।
राजस्थान के झालावाड़ में मतदान को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई। जिला प्रशासन की ओर से यहां वोट बारात निकाली गई। खास बात यह है कि इस बारात में दूल्हा घोड़ा बाराती सब थे मौजूद। स्वीप रथ के साथ नाच गाने की मदद से कलाकारों ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। चेन्नई में सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत ने किया मतदान। अपनी उंगलियों पर लगे निशान को दिखाते हुए मतदाताओं को वोट डालने के लिए क्या प्रोत्साहित। एमएनएम पार्टी प्रमुख और अभिनेता भी लोकतंत्र के महापर्व का बने हिस्सा। चेन्नई में पहले चरण की वोटिंग के दौरान डाला मतदान। साउथ सुपरस्टार धनुष ने भी मताधिकार का किया प्रयोग। चेन्नई में मतदान केंद्र पर डाला वोट। अभिनेता अजीत कुमार ने भी लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। चेन्नई में किया मतदान। अभिनेता शिव कार्तिकेयन ने मतदान की निभाई जिम्मेदारी। मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही वोट डालने पहुंचे। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रभु ने भी चेन्नई में किया मतदान। पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे साउथ के एक्टर। चेन्नई में अभिनेता विजय सेतुपति ने भी डाला वोट। जनता से भी की वोट डालने की अपील। साउथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णा ने भी वोट डाला। चेन्नई में मताधिकार का किया इस्तेमाल। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी लोकतंत्र के महापर्व में हुई शामिल। कोटद्वार में मतदान किया। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भी अपना वोट डाला। पश्चिमी यूपी के अमरोहा में चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र के लिए आज बहुत बड़ा दिन, ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। अमरोहा की जनसभा में पीएम का राहुल अखिलेश पर तंज। कहा यूपी में दो शहजादों की जोड़ी है, दोनों तुष्टिकरण भ्रष्टाचार के साथ घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम भक्ति पर उठा रहे हैं सवाल। यूपी के लोग एसपी के गुंडाराज नहीं भूल सकते। पीएम मोदी ने कहा आपके सपने पूरे करने के लिए कर रहा हूं काम, सामाजिक न्याय के लिए काम जारी। रैली में बोले प्रधानमंत्री, हमने हर घर नल से जल देने की गारंटी दी, हर बेघर को पक्का घर देने की गारंटी दी, किसान सम्मान निधि से सशक्तिकरण। बीकानेर में इंडोनेशिया के कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन। इंडोनेशियाई कलाकारों ने भव्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मौजूद लोग रामलीला मंचन देख हुए मंत्रमुग्ध। लोगों ने कलाकारों पर की पुष्प वर्षा, चारों तरफ दिखा भव्य नजारा। जॉर्जिया में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत की बेटियों ने बढ़ाई शान। मैथमेटिकल ओलंपियाड में जीते 2 रजत और 2 कांस्य। गुरुग्राम की गुंजन अग्रवाल, तिरुवनंतपुरम की संजना फिलो चाको ने जीता सिल्वर। हिसार की लारिस और पुणे की साई पाटिल ने जीता ब्रॉन्ज। ईरान के कब्जे वाले शिप के 17 क्रू मेंबर्स में से एक सदस्य एनाटेसा जोसेफ भारत लौटी। कोटायम के कोडंगुरु पहुंचने पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ी। झालावाड़ में चैत्र नवरात्र की 10वीं पर किया गया रावण दहन। साल में 2 बार रावण दहन करने की है यहां परंपरा। सोलन में इन दिनों लगा सैलानियों का तांता। गर्मी से निजात पाने के लिए छुट्टियां मनाने पहुंचे यहां पर्यटक। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर चलने वाली टॉय ट्रेन का सबसे ज्यादा क्रेज। 15 जून तक टॉय ट्रेन की ऑक्यूपेंसी 100%। दिल्ली की बेटी सलोनी वत्स ने यूपीएससी में हासिल की 129वीं रैंक। रोज 8 से 10 घंटे करती थी पढ़ाई। अजमेर में शाही अंदाज में निकाली गई राठौर बाबा की सवारी। 525 सालों से बाबा की पालकी निकालने की है यहां प्रथा। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में मुंबई ने पंजाब को हराया। 9 रन से मिली जीत। मुंबई की ओर से सूर्यकुमार यादव ने खेली 78 रन की पारी। रोहित शर्मा ने बनाए 36 रन। मुंबई की ओर से बुमराह ने झटके सबसे ज्यादा 3 विकेट। क्वेटजी के खाते में भी 3 बल्लेबाज। बेकार गई पंजाब के आशुतोष शर्मा के 61 रन की ताबड़तोड़ पारी।
आज आईपीएल में लखनऊ और चेन्नई में सुपरहिट मुकाबला, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में है मैच।